हमारे पास एक पपी आया है जयसिंहपुर से, जो ये पपी को लेके आए थे उसे बस ट्रीटमेंट के लिए ही लाए थे, लेकिन इसकी हालत देख के हमें लगा कि हमें इसे फार्म के अंदर ही रख लेना चाहिए। इसे किसी ने पत्थर मारा था सिर पे, इसके हेड इंजरी भी है, यहाँ पे इसके नेक पे भी प्रॉब्लम है, इस साइड पे अपने पैरों पे ज्यादा वेट ले नहीं पाता है। ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसका, गुगली के जिन्होंने उसके लिए कॉल किया था, जो उसके केयर टेकर है वहाँ पे, वो उससे मिलने आए काफी दिनों बाद। गूगली के केयर टेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे गूगली का ड्रामा शुरू। पिछले हफ्ते के अपडेट में एक कमेंट आया था कि शाइनी ने हेयर कलर क्यों कराया, वो भी तो एनिमल्स पे टेस्टेड होते हैं। मैं जो भी हेयर कलर्स, डाइज या फिर स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो बिल्कुल भी एनिमल्स पे टेस्टेड नहीं होते, वीगन होते हैं। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि एनिमल्स पे बिल्कुल भी टेस्टेड नहीं है, वीगन है, और आप उन्हें सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सुबह सुबह मुझे ज्योति ने कॉल करके बोला फटाफट एनिमल एरिया के पास आ जाओ, क्योंकि हमारी जो डॉग है गुदगुदी, जिसके पीछे के हिस्से दोनों सेमी पैरालाइज्ड, और राधा दी ने दिन रात इसकी मसाज की है, और आज वो चल रही थी। कम ऑन, यस यस, वाओ, ये ज्योति, आपको क्या लगता है इसका इतना जल्दी रिकवरी, इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है? इसकी ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो गई थी ना, वो सबसे बड़ा कारण है। अगर एक साल डेढ़ साल पैरालिसिस हो या एक दो महीना बीत जाए तब ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग इसको फर्स्ट हाफ ऐसे बाहर रखते हैं, और धूप बहुत असर करता है ना, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इसको, आके लोग इंट्रैक्शन बढ़ रहा है, हर कोई इसको थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ें भी मेंटली भी बहुत असर करता है ना। हम इसे वापस तो नहीं भेजेंगे जहाँ से आई थी, क्योंकि उन्होंने इसकी ऐसी दुर्दशा करके इसे भेजा था यहाँ पे, तो अब तो हम इसे किसी अच्छे घर ही भेजेंगे जिनको किसी एनिमल की जान की वैल्यू पता हो, वो सिर्फ हंटिंग के लिए और इस तरह की कामों के लिए ना रखें एनिमल को, बल्कि उसको एक फैमिली मेंबर समझ के अपने पास रखें। ये हमारे वॉलंटियर्स तैयार हो रहे हैं, कहाँ चल पड़े सुबह सुबह, ये क्या उठाया आपने? आज हम जा रहे हैं मैकलॉड, और वहाँ पे स्टॉल लगाएंगे और लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो स्टॉल लगने वाला है हमारे सारे वीगन प्रोडक्ट्स का, और जो हमारी धनोटू गांव की लेडीज बनाती हैं, जैसे कि ये पाइन नीडल वाली वस्तुएं, ये क्या है रॉबिन के पास? कम्बुचा, जो हम बियर की बॉटल्स रीयूज करके उसमें करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हम लोकली बेच सकते हैं, क्योंकि हमें बोतलें वापस चाहिए होती हैं, और हम अमेज़न पर नहीं बेचते क्योंकि कांच टूटेगा तो इट्स अ हैज़र्ड। पेप्सी हमारी जो है वो अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, तो आप चाहें तो आप पेप्सी को अडॉप्ट करने के लिए हमें फ़ोन कीजिए। दिन भर फ़ोन कॉल्स तो आते ही रहते हैं हमारी अडॉप्शन लाइन पे भी, हमारी रेस्क्यू लाइन पे भी, पर ऐसा सबसे अजीबोगरीब फ़ोन कॉल क्या था जो तुमने आज तक रिसीव किया है? मुझे किसी ने फ़ोन करके कई बार पूछा है कि मैम आपके पास वाइट कलर का जर्मन शेफर्ड है क्या, या ब्राउन कलर का कोई ब्रीड डॉग रखे हैं क्या, या फिर कई बार लोग लिस्ट देख लेते हैं पूरी अडॉप्शन की जब हम उन्हें सेंड करते हैं, और फिर कॉल बैक करके कहते हैं कि हाँ हमने देख तो ली पूरी, लेकिन कोई डॉग पसंद नहीं आया, आपके पास और डॉग आएंगे क्या अगले महीने? हम ऐसे लोगों को तो डॉग्स देते भी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास एक बछड़ा आया था गालिब, उसके तीनों पैर में इंजरी थी और उसका जॉ भी टूटा हुआ था। हमने वायरिंग की उसके टूटे हुए जबड़े की, हम उसको शुरू में लिक्विड डाइट पे रख रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा असर नहीं करता था, वो धीरे धीरे उसने खाना भी शुरू किया बट वो चबा नहीं पाता था ना, इसलिए ढंग से उसका डाइजेशन भी नहीं हो रहा था। फ्लूइड थेरेपी भी किया लेकिन फिर उसका पेन बढ़ता जा रहा था, और एक दिन अचानक फ्लूइड थेरेपी के दौरान ही उसकी डेथ हो गई। हमें अभी भी खबर मिली है कि 6 पपीज आए हैं, 6, तो जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें क्या हुआ है। भाई देखो, ये श्रेयांश है, श्रेयांश हमारे कैमरा मैन है। ये पपीज जिनको रेस्क्यू करके लाए हैं संतोष जी परौर से, ये रोड किनारे ना इसकी माँ मरी हुई थी, साइड में थी, और ये पपी चिल्ला रहे थे जोर जोर से, क्योंकि सर्दी बड़ी है, तो इनको ढक के लाया हूँ मैं इनको। आगे लोगों से भी प्रार्थना है कि वो कोई भी उनको पपी मिले या कुछ मिले तो उसको रेस्क्यू करें, खुद उसकी सेवा करें, या खुद पाल लें, या नहीं पालना है तो कहीं मतलब किसी अच्छी संस्था को दे किया। मैंने गलती से 6 बोल दिया था, पर ये 5 हैं, और ये बहुत जल्दी अडॉप्शन के लिए लिस्ट भी हो जाएंगे ना ज्योति? यस। तो अगर आपके पास इनके लिए कोई अच्छे से नाम है तो ज़रूर हमें बताइए। आज हीरो हीरालाल रिलीज हो रहा है, इसके सर के ऊपर एक मैगेट वुंड था। पहले तो ट्रीट ऑन ट्रीट करते थे लेकिन ये शैतान है, भाग जाता था, फिर हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया, अब पूरा हील हो चुका है, इसकी न्यूट्रो की सर्जरी भी हो गई है, तो अब हम इसे वापस इसके एरिया में रिलीज करने जा रहे हैं। सिर्फ बेटी जी बेगैरत नहीं है, चम्बी भी बेगैरत है। ये रविंद्र भैया बताएंगे ऐसा क्यों है। यहाँ से गाड़ी लेके गेट से बाहर निकला तो इसको मैंने बाहर देखा, फिर ये मेरी गाड़ी के पीछे पीछे भागता रहा, बाद में मैंने इसको उठाया, गाड़ी में डाल लिया,
और इसको क्या बोलते द्रमन तक घुमा के लेके आया। तो चंबी भी ट्रीट ऑन स्ट्रीट घूम के आया है। बढ़िया। बाय द वे ये हीरो हीरा लाल हमारा जा रहा है वापस। बाय हीरो। कस्तूरी जब आई थी तब उसके पिछले पैर के बीच वाले हिस्से में बहुत ज्यादा बड़े बड़े घाव थे और उसकी पूंछ में भी गैंग्रीन का इशू था। गैंग्रीन के लिए तो हमने एम्पुटेशन सर्जरी की थी टेल की। उसका जो वूंड था वो भी रेगुलर ड्रेसिंग के साथ बहुत अच्छे से हील हो रहा था। इसी हफ्ते हमने उसको रिलीज किया है जब उसके पूरे घाव अच्छे से ठीक हो गए थे। मैं अभी हूँ हमारी आर्किटेक्ट प्रिया के साथ और हम लोग आए हैं हमारा जहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सॉरी मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है तो मेरी शक्ल सड़ी हुई है। बट एनीवे आज हमारी साइट को ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं। नींव डल गई है, उसके बाद हमने मिट्टी भरी है, अब उसके बाद 3 दिन का काम चल रहा है। तो ये जो हमारा बैक पोर्शन है वेस्ट साइड का जो कैनल्स है हमारा वो उसके प्लिन बीम ऑलमोस्ट डन है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी हूँ यश के साथ और यश आए ऑल द वे फ्रॉम गोवा। यश वॉलंटियरिंग कर रहे हैं हमारे साथ एनिमल्स के साथ और फार्मिंग में। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? एक छोटा सा इकोसिस्टम क्रिएट किया है यहाँ पे उन्होंने जो खुद को सस्टेन कर रहा है, तो देखना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और हाँ अच्छे वाइब्स हैं यहाँ पे। अभी मेरे साथ है रवीना की मॉम जो आए हैं ऑल द वे फ्रॉम पुणे। मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है और ये फार्म तो है ही अमेजिंग। और आपको मेरे से मिलके कैसा लग रहा है? तुम तो भाई पीपल फार्म की शान हो, आन बान शान हो भाई। स्पीति में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती है और सर्दियों में उन्हें कुछ खाने को मिलता नहीं है तो वो एक दूसरे को खाने लगते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम स्पीति में जाके एक डॉग फीडिंग प्रोग्राम करेंगे और कुछ टाइम के बाद हम एक डॉग स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम भी करेंगे। हम 2 हफ्ते में जा रहे हैं स्पीति। तो अभी तक हमें ये पेडिग्री के वेजिटेरियन डॉग फूड के 7 से 8 पैकेट आ गए हैं। तो अगर आप भी हमें डोनेट करना चाहें तो ये वाले पैकेट्स आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे।